करते हैं हेडलाइंस के साथ। सड़क सुरक्षा की खुली पोल, पहले दिन ही सामने आया रफ्तार का कहर। दो बाइक सवारों को ट्रक ने कुचला, एक की मौत, दूसरा घायल। कुसमुंडा के खमहरिया मोड़ का हादसा। हिमाद्री केमिकल्स में फिर सामने आया हादसा, प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल ने पाया आग पर काबू। और 30वां सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज, बस्तर एसपी डी श्रवण ने रिबन काट कर की शुरुआत। आम लोगों को दी जाएगी सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी। पुलिस के 30वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के पहले दिन ही कुसमुंडा में रफ्तार का कहर सामने आया। तेज रफ्तार एक ट्रक ने डिंगापुर जाने के लिए निकले दो बाइक सवारों को कुचल दिया। इस हादसे में बाइक के पीछे बैठे शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहे शख्स का पैर टूट गया। यह पूरा वाकया पेट्रोल पंप के आगे खमहरिया मोड़ पर सामने आया है। हादसे की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, वह भी सदल बल घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। मृतकों के नाम अभी स्पष्ट नहीं है। दुर्घटना कारित 12 पहिए वाला ट्रक ने होंडा शाइन बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि मौके पर हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। लोगों की भीड़ फिर से एक बार भारी वाहनों के विरोध में सड़क पर उतर आई है। आशंका जताई जा रही है कि लोग कहीं इस विरोध के साथ फिर से सड़क जाम न कर दे। बहरहाल पुलिस ने मृतक के शव को बरामद कर उसे अस्पताल रवाना कर दिया है। वहीं घायल का भी उपचार किया जा रहा है। जिले में हिमाद्री केमिकल्स के गोदाम में सोमवार को दोपहर बाद आग लग गई। इसमें प्लास्टिक के बोरे रखे गए थे। आग से भयंकर लपटे और धुआं उठ रहा है। मौके पर फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां भी भेजी गई थी, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर फाइटर्स ने आग बुझाने का काम शुरू कर दिया है। आसपास के इलाकों में इससे दहशत का माहौल है। आग बुझाने का काम जारी है। अग्निशमन दस्ते के लोगों का कहना है कि और भी गाड़ियां अभी आने वाली है। आग क्यों लगी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। दूर से ही धुएं का गुब्बार और आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि विवादों में रहे हिमाद्री केमिकल्स में इस तरह के हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं प्रबंधन पहले भी पर्यावरण नियमों को लेकर अक्सर मनमाने कदम उठाता है। आसपास के लोगों ने इस फैक्ट्री के कार्यशैली पर पहले भी सवाल खड़े किए थे, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो सकी थी। बात करें हिमाद्री केमिकल्स पर पर्यावरण विभाग की कार्रवाई की, तो अधिकारियों का भी इस फैक्ट्री को लेकर मौन साधा जाना अपने आप में कई तरह के गंभीर सवाल खड़े करते हैं। ये एक्चुअल में अभी मेरे को आधी घंटा पहले खबर मिली कि यहाँ पे आग लगी रहे हैं, तो उस समय जो है गाड़ी लेकर पहुँचे यहाँ पे, लेकिन हवा के कारण आग जो है बहुत जल्दी जल्दी फैल रही थी। क्या रखा हुआ था? खाली बोरी पड़ी है। अच्छा, बताओ बोरियों के नीचे में? नहीं नहीं, खाली बोरी जो रहती है, जो हम लोग को स्क्रैप की बोरी होती है। हम लोग सक है, पर्यावरण विभाग के अधिकारी आए तो उनका कहना है कि इससे पहले भी अवैध भंडारण आपके द्वारा किया जाता था, कोल चीज का, और आज भी किया गया था, जिसके कारण इतना भयंकर आग लगा। क्या कहना? यहाँ खाली खाली बोरी रखी हुई थी, उसी के कारण लग गई, और कुछ भी नहीं है। किस चीज़ की बोरी थी सर? ये बीज की बोरी, बीज जो आती है हम लोग खाली करके बोरी यहाँ रखी। एनवायरमेंट विभाग साहब को कोई नोटिस मिली थी क्या इससे पहले? हाँ मिली थी। क्या क्या नोटिस था? जो वही कि यहाँ से जो है हटाने की बात हुई, अवैध भंडारण। हाँ, तो यहाँ से जो है हम लोग जो है बोरी भेज देते हैं, काम आ जाती है, उसके बाद में जो थोड़ी बहुत बची हुई थी उसी के अंदर में जो है। अवैध भंडारण का मामला है सर? नहीं, अवैध अवैध नहीं है ये। एक्चुअल में हम लोग की जो बोरी निकलती है ये लोग फिर हम लोग रीयूज कर लेते हैं उसको, तो उसको खाली करके यहाँ रखा हुआ था। रोक के बाद भंडारण था, रोक के बाद भंडारण किए थे, और ये जो गैस निकलती है सब स्वास्थ्य की हानिकारक से बताते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो दिन रात वहीं पर रहते हैं। प्रबंधन द्वारा आग लगवाए जाने की बात कही जा रही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग को तो खुद खबर मिली तो हम लोग तुरंत गाड़ी 5 मिनट में लगी। हम लोग को डिस्ट्रॉय करने की अनुमति कहाँ से ली गई? नहीं नहीं, ये हम लोग को रीयूज हो जाती है, हम लोग वापस भेज देते हैं। डिस्ट्रॉय नहीं करते? नहीं नहीं नहीं।
जिले के पेंशनधारियों को पेंशन का भुगतान नहीं होने के विरोध में पूर्व गृह मंत्री और रामपुर के विधायक ननकी राम कंवर ने आज जिला प्रशासन के खिलाफ एक दिवसीय धरना दिया। उनका साथ देने के लिए भाजपा के जिला इकाई के प्रमुख अशोक चावलानी और दिग्गज आदिवासी नेता श्यामलाल मरावी भी पहुंचे थे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जिले में पेंशनधारियों की समस्याओं को वह पहले भी पुरजोर तरीके से उठाते रहे हैं और अब भी वह उनकी आवाज बनकर सामने आए हैं। उन्होंने मांग किया है कि जिन पेंशनधारियों को पिछले पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है की अदायगी सुनिश्चित की जाए, वरना उनका यह प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। वहीं रायपुर के एकात्म परिसर में पत्रकारों पर हुए हमले पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ननकी राम कंवर ने कहा कि उन्हें इस मामले में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी सलूक पत्रकारों के साथ हुआ वह गलत है। उन्होंने इसे हार की बौखलाहट मानने से साफ इनकार करते हुए पत्रकारों से ही प्रश्न कर दिया कि क्या इस हार के लिए पत्रकार जिम्मेदार है। धरना प्रदर्शन पर पहुंचे जिला भाजपा प्रमुख अशोक चावलानी ने कहा कि यह कार्यक्रम पहले से तय था। चुनाव के दौरान पूर्व मंत्री को पेंशन से जुड़ी काफी शिकायतें मिली थी। उन्होंने पत्रकारों के इस सवाल को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने संगठन के कुछ नेताओं के नहीं पहुंचने की बात पूछी थी। इस प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। समाज के पिछड़े हुए और निम्न तबके के लोगों के लिए सदैव काम करते आए हैं। उनको इस बात की चिंता नहीं है, परवाह नहीं है कि सरकार किसकी है। उनको ये देखना है कि गरीबों का हित किस में है, इस बात की चिंता होनी चाहिए। एक महीना पूर्व उन्होंने पेंशन की समस्या से जिला प्रशासन को अवगत कराया था और उसके बाद यदि कार्यवाही पूरी नहीं हुई तो धरने की चेतावनी भी उन्होंने दी थी और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से आज हम लोग ये घटना कर रहे हैं। और धरने के बाद फिर माननीय जिलाधीश महोदय जी को ज्ञापन सौंपेंगे। देखिए भाई, मुझको तो नहीं मालूम है, मैं पेपर में मन पाया, मैं खेती किसानी वाला आदमी हूँ। अभी पार्टी काम गया था, वहाँ भी नहीं पढ़ने को मिला कि भाजपा वालों के ऊपर, भाजपा वालों ने आपके ऊपर हमला किया है। वैसे मैं नहीं समझता कि हमला किस कारण से किया है, लेकिन अगर पत्रकारों के ऊपर पत्रकारिता के दृष्टि से हमला हुआ तो गलत। कहीं ना कहीं बौखलाहट नहीं लगती है हार की? नहीं, हार की बौखलाहट से आप, आपने हारवा है क्या? क्या कारण होगा कि फिर हाथ नहीं मानेगा? मैं नहीं कह सकता कि कारण क्या है, इसलिए मैं स्पष्ट नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन अगर पत्रकारिता के कारण हुआ तो गलत। हमारे रामपुर के विधायक, लोकप्रिय विधायक, आदिवासी नेता माननीय ननकी राम जी कंवर जब पद यात्रा में निकले थे चुनाव के कुछ दिन पहले, उन्हें काफ़ी आवेदन मिला कि वृद्धा पेंशन हो गया और परित्यागता पेंशन हो, इस तरह काफ़ी पेंशन विगत 9 महीने से 10 महीने 14 महीने से नहीं मिल रही है। तो माननीय हमारे मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी कलेक्टर से मिले, कलेक्टर साहब ने एक मैंने आश्वासन दिया था कि हम पेंशन जिनको नहीं मिलेगी करेंगे। तो माननीय मंत्री जी ने बोला था कि एक महीने बाद हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन के माध्यम से उनको ज्ञापन देंगे। तो आज हमारे पूरे रामपुर विधानसभा के साथ साथ जिले के भी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए और जो जो यहाँ पे जिनको पेंशन नहीं मिला वो यहाँ पे उपस्थित हुए और माननीय ननकी राम जी के साथ में जिला संगठन साथ में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देगा जिन जिनको पेंशन नहीं मिल रहा है, और अपन मांग करेंगे कि ये हमारी जो मांग है तत्काल पूरी की जाए। जगदलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह यातायात विभाग ने 30वां सड़क सुरक्षा सप्ताह का उद्घाटन बस्तर एसपी डी श्रवण ने रिबन काट कर किया। बस्तर एसपी डी श्रवण ने कहा कि सड़क सुरक्षा सप्ताह जीवन रक्षा के लिए मनाया जाता है। सड़क सुरक्षा में आम जनों को उनकी सुरक्षा व नियमों की जानकारी दी गई, साथ ही लोगों को पॉम्पलेट अनाउंसमेंट व निशुल्क ट्रैफिक कार्ड देकर अवगत कराया गया। कार्यक्रम पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा यातायात रथ को हरी झंडे दिखाकर इसका शुभारंभ किया गया। यातायात प्रभारी शिव शंकर गेंदले ने बताया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह 7 दिनों तक चलेगा। इसमें आने वाले 7 दिनों तक शहर के अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम करते हुए लोगों को इसकी जानकारी दी जाएगी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, आज दिनांक 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने के लिए यातायात जागरूकता विभिन्न प्रकार से नेत्र
जांच करके पंपलेट के माध्यम से यातायात के नियम के बारे में बताकर पब्लिक को अवेयरनेस लाई जाएगी और ट्रैफिक नियमों के संबंध में पूरी जानकारी जो है हमारे जो आज पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा रथ का शुभारंभ किया है उसके द्वारा सभी क्षेत्रों में जाके देहात क्षेत्र में भी शहर क्षेत्रों में जाकर उसके प्रचार प्रसार किया जाएगा। यही यातायात जगदलपुर पुलिस के द्वारा लोगों को यातायात जागरूकता के लिए प्रयास की जा रही है और ये एक सप्ताह तक ये चलता रहेगा। क्या ट्रैफिक कार्ड और अन्य प्रकार की सुविधाएं जो यातायात विभाग करता है सुरक्षा सप्ताह में, तो ऐसी क्या क्या सुविधाएं देगा जो है गाड़ी चलाने वालों को? जैसे निःशुल्क कार्ड बनाया जाएगा और नेत्र बीमा के कार्य जो है गाड़ियों की बीमा कराई जाएगी और आपका नेत्र जांच जो है ये निःशुल्क की जाएगी, ये हमारी तरफ से की जाएगी। पुलिस मुख्यालय रायपुर के आदेशानुसार प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले में पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पाल शर्मा के मार्गदर्शन में यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन 4 फरवरी से किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि नगर विधायक अंबिका सिंह देव पहले भी सड़क दुर्घटनाओं में बगैर हेलमेट दुपहिया वाहन चालकों की मृत्यु पर चिंता व्यक्त करते हुए यातायात विभाग को इस संबंध में लोगों को जागरूक करने का निर्देश दे चुकी है। यह आयोजन 4 फरवरी से 10 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान विविध प्रकार के आयोजन किए जाएंगे जिसमें हेलमेट रैली, वाहन चालक व मालिकों की बैठक, बैनर, पोस्टर, पॉम्पलेट के माध्यम से आमजन को बेहतर यातायात के प्रति जागरूक करने का कार्य, वाहन चालकों का स्वास्थ्य नेत्र जांच शिविर, बिना नंबर के वाहनों में नंबर लिखवाना, लर्निंग लाइसेंस कैंप, ग्रीन कार्ड कैंप, छात्रों को यातायात नियमों की जानकारी व छात्रों हेतु विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 4 फरवरी को पुलिस द्वारा चिरमिरी के महात्मा गांधी स्टेडियम से हेलमेट रैली के साथ यातायात सप्ताह का शुभारम्भ हुआ। इस प्रशासन द्वारा ये सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, इसके अंतर्गत आज चिरमिरी में एक जन जागरूकता अभियान के तहत एक बाइक रैली निकाली जा रही है जिसमें माननीय हमारे विधायक मनेंद्र डॉक्टर विनय जायसवाल जी इसकी मुख्य अतिथि हैं और इसमें शामिल हो रहे हैं SDM साहब और सभी पुलिस के कर्मचारी अधिकारी। इसमें हम ये संदेश देना चाहते हैं कि रोड एक्सीडेंट के द्वारा जो जाने जाती हैं इसको हमें कम करना है। हमारा देश रोड एक्सीडेंट के द्वारा मृत्यु में बहुत ही ऊपर स्थान पर है जो एक अच्छी बात नहीं है और लोगों को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि वे यातायात नियमों का पालन करें और अपनी जान सुरक्षित रखें। ये बहुत अच्छा है, जन जागरूकता की बात है। निश्चित रूप से जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है उसके कारण पूरे देश में जो मौत का आंकड़ा है वो सबसे ज़्यादा बीमारियों से ज़्यादा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, तो निश्चित रूप से इस जन जागरूकता से लोगों में ये अवेयरनेस आना चाहिए कि आपके जान माल का जो रक्षा है ना केवल पुलिस की जिम्मेदारी है बल्कि ये नागरिक जिम्मेदारी है। हर नागरिक को ये तय करना पड़ेगा कि हमको अपना सुरक्षा करना है, तो बिना ड्रिंक किए, बिना अल्कोहल का सेवन किए और हमेशा कोशिश ये करें कि हेलमेट लगा के हम अपना ड्राइव करें, अपनी यात्रा करें, जिससे आप भी सुरक्षित रहें। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा तो आपका प्रदेश सुरक्षित रहेगा, प्रदेश सुरक्षित रहेगा। जांजगीर चांपा जिले में बम हनी डी के कांग्रेस के युवाओं के चहेते व उनके मार्गदर्शक गुलाबुद्दीन खान को अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष बनकर प्रथम नगर आगमन पर लोगों द्वारा आत्मीय स्वागत किया गया। इस दौरान युवाओं और बुजुर्गों के साथ ही बड़ी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित थी। गुलाबुद्दीन खान आज भी पार्टी में जोश भरते नजर आए। उन्होंने आज स्वागत के बाद समर्थकों और कार्यकर्ताओं से चर्चा में कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार की करारी हार हुई है। जिस तरह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है उसी तरह से अब हमें लोकसभा चुनाव में भी कड़ी मेहनत करनी है और केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है। सभी ने एक स्वर में कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। आज इस स्वागत के मौके पर छेड़ू राम अजगल्ले, धरी राम डटसेना, रामराज्य पांडे, रज्जाक खान अध्यक्ष युवा कांग्रेस जयपुर विधानसभा, पवन अजगल्ले, विनोद खूटे, जितेंद्र जायसवाल, फुटानू जायसवाल, सुभान खान, नम्मू धीवर, हेमंत जायसवाल, दाऊराम प्रकाश, फिरोज बाबू, रानू सुहाने, मौसिम खान, माखन शिवास, लव सोनी, उमेश जायसवाल, हेमंत साहू एवं बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता उपस्थित थे।
जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण थाना अंतर्गत सामाजिक गुटबाजी के कारण बेटी को करना पड़ा अपने पिता का दाह संस्कार। मामला शिवरी नारायण अंतर्गत गांव रिंगनी का है, जहां 2 फरवरी को शिव कुमार कश्यप का अचानक स्वर्गवास हो गया। गांव में गुटबाजी के कारण समाज के दशरथ पक्ष के सामाजिक दबाव के कारण न तो परिवार के कोई भी सदस्य और ना ही सगे भाई ने कंधा दिया और ना ही अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। इस स्थिति में शिव कुमार की 4 बेटियों ने अपने पिता को कंधा देने तैयारी शुरू की, लेकिन दामाद और सभापति छोटे लाल पक्ष के लोगों ने मिलकर शव को शमशान तक लेकर पहुंचे। फिर भी परिवार वालों ने वाद विवाद किया तो खुद उनकी बड़ी बेटी ने शमशान जाकर अपने पिता को मुखाग्नि दी। कुर्मी समाज के दशरथ पक्ष के लोगों द्वारा भाई एवं भतीजों को अपने चाचा का दाह संस्कार करने से रोका गया, तब मृतक की बेटियों ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया है। कन्नौजी कुर्मी समाज में समाज को स्वयंभू ठेकेदारों द्वारा समाज को 2 गुटों में बांटकर लोगों को एक दूसरे के सामाजिक कार्यों में जाने से रोका जा रहा है। इसी तरह के सामाजिक कुरीतियों पर कब विराम लगेगी? प्रशासन को ऐसे मामलों में संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है। आप अपने पिताजी को मुखाग्नि दिए हैं, परिवार वाले और गांव वाले क्यों नहीं आए? क्योंकि समाज 2 भाग में बटा हुआ है, इसलिए। कौन कर रहा है ये सारी? कौन मना किया है यहाँ पे समाज वालों को आने के लिए? दूसरे पक्ष वाले। दूसरे पक्ष मतलब कौन? दशरथ। दशरथ करके ये कौन है? ये समाज के सभापति है। अच्छा, वो मना किए थे कि किसी के द्वारा यहाँ पे जाया नहीं जाएगा करके? हाँ, उन लोग किए होंगे तब तो नहीं आए। मेरे बड़े पापा खुद उसके लड़के हैं, हम लोग 4 बहन हैं, और बड़े पापा बोले कि आप यहाँ रहोगे तो हम नहीं रहेंगे, बोले तो मैं अपने पिताजी को मैं दूंगी, बोले। तो आपके बड़े पापा बोले कि आप लोग रहोगे तो आप लोगों को बाहर जाने के लिए आपके बड़े पिताजी बोले? हाँ। शक्ति क्षेत्र में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। शक्ति विधानसभा के नगरदा थाना अंतर्गत 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को घुमाने ले जाने के बहाने युवक ने लड़की को बंधक बनाकर दुष्कर्म जैसे घिनौने कर्म को अंजाम दिया। नाबालिग लड़की ने परिजनों के साथ नगरदा थाना जाकर आरोपी युवक के खिलाफ FIR दर्ज कराया। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए पास्को एक्ट के तहत तत्काल आरोपी को हिरासत में ले लिया है। कोसिर मुख्यालय के ग्राम भाटा गांव के रंजीता तालाब मोहल्ले से लोहे के गड़ासा लहरा रहे युवक को कोसिर पुलिस ने गिरफ्तार कर 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। ASI लक्ष्मणपुरी गोस्वामी ने बताया कि भाटा गांव में महावीर शायर ने लिखित आवेदन दिया था। उनके मोहल्ले में अश्वनी कुमार बंजारे लोहे का गड़ासा लहरा रहा है। उनके आवेदन पर जांच करते हुए अश्वनी कुमार को गिरफ्तार किया गया है और 25 आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर कार्रवाई किया गया है। अश्वनी कुमार के कृत्य से लोग परेशान थे, कई बार कोसिर थाने में उसकी शिकायत की जा चुकी है। अंततः आज अश्वनी कुमार को लोहे का गड़ासा लहराते कोसिर पुलिस ने गिरफ्तार कर कार्रवाई की है। मामला भाटा गांव कोसिर का है। आज प्रार्थी महावीर सायर पिता स्वर्गीय विजय सिंह सायर 33 वर्ष द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया था कि इनके मोहल्ले का अश्वनी बंजारे लोहे का गड़ासा लेकर जो है आने जाने वाले को डरा धमका कर भयभीत कर रहा है। कि आवेदन जांच के लिए गया हुआ था, जो लोहे के गड़ासा के साथ में आरोपी को अश्वनी बंजारे को हिरासत में लेकर थाना लाया गया है, जो 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। सर्वसेन नाई समाज छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में चिरमिरी क्षेत्र के डोमन हिल नाई समाज के द्वारा जिला स्तरीय वार्षिक सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ की मशहूर कलाकार व महिला प्रकोष्ठ प्रांताध्यक्ष सेन समाज सुश्री मोना सेन उपस्थित रही। चिरमिरी क्षेत्र के डोमन हिल में सर्वसेन समाज के द्वारा जिला स्तरीय वार्षिक सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के प्रदेश संभागीय स्तर से भी काफी पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सेन समाज के गुरु श्री सेन जी के फोटो पर माल्यार्पण कर किया गया। इस दौरान अतिथि मोना सेन के साथ साथ क्षेत्र के विधायक विनय जायसवाल, पूर्व विधायक दीपक पटेल व श्याम बिहारी जायसवाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सुश्री मोना सेन ने समाज के लोगों व आम जनता से अपील की कि वह अपनी बेटियों को बच्चों को जितना हो सके उतना पढ़ाएं।
उनके हौसले को बुलंद करें ताकि वह समाज में अपना एक अलग परिचय बना सके व राज्य के साथ साथ देश के नाम को भी उज्जवल करे। इस मंच के माध्यम से जन प्रतिनिधियों के साथ साथ आए हुए अतिथियों व समाज के लोगों ने अपने अपने तर्क लोगों के सामने रखे व समाज के लोगों की कार्यशैली को देख उनकी सराहना की। बहुत अच्छा लग रहा है, इतना जोरदार तैयारी किए हैं मेरे समाज के जितने भी वरिष्ठ जन हैं और जितने भी यहाँ के समाज के मेरे भाई हैं, मैं दिल से इनको धन्यवाद देना चाहूँगी। इतना प्यारा इन लोग व्यवस्था किए, इतना अच्छा तैयारी किए, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे बार बार मुझे चिरमिरी आने का मौका मिले, पिछले बार जो छूटा उसके लिए मैं अफसोस करती हूँ कि काश उसमें भी मुझे आना था, लेकिन अच्छा हुआ। मैं इन लोगों के मेहनत को सलाम करती हूँ, खासकर गणेश भैया के, जिन्होंने जिनके प्रयास से ये कार्यक्रम सफल रहा, और पूनी यूनिटी को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैडम, जिस तरीके से आपने अपने समाज में रहते हुए छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है देश के अलग अलग कोनों में, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितना संघर्ष मैंने किया है, हर बेटी को आगे बढ़ना चाहिए, खासकर मेरे समाज की जितनी भी बेटियाँ हैं, ये पढ़ लिख कर हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें, हमारे समाज का नाम रोशन करें, जिसमें पूरा समाज गौरवान्वित हो, यही संदेश देना चाहिए। सभी वर्गों का एक हमारे हिंदू समाज में कई सारे समाज हैं। आज छत्तीसगढ़ प्रांत सरनाई समाज की एक जिला स्तरीय बैठक थी, जिसमें मुझे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सेन समाज के लोग, नई समाज के लोगों ने याद किया। ये समाज बहुत ही क्रियाशील समाज है और निश्चित रूप से ये हमारे छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा समाज है, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है हमारे चिरमिरी के विकास में, हमारे छत्तीसगढ़ के विकास में। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए, पूरे सेन समाज को, पूरे नाई समाज को बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। कोरिया जिले के चिरमिरी क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची की निर्वस्त्र अवस्था में फांसी पर लटकी हुई लाश मिली, जो कि खून से सनी हुई थी। लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। इस पूरे मामले में स्थानीय थाना प्रभारी से मिली जानकारी के अनुसार, चिरमिरी क्षेत्र के हल्दीबाड़ी हीरागीर दफाई में 16 वर्षीय आबिदी खातून नाबालिग लड़की की नग्न अवस्था में फांसी पर लटकती हुई लाश मिली, जिसके गले पर कटने का निशान मिला है। बताया जा रहा है कि मृतिका अपने घर में अपने माँ फातिमा खातून व दो भाइयों के साथ रहती थी। वह रोजाना की तरह अपने घर का काम काज करके अपने घर में ही थी। जब कुछ काम पड़ने के कारण उसके परिजनों ने उसे आवाज दी, तो घर से कुछ भी आवाज न आने पर उसके परिजन घर के अंदर गए तो देखा कि मृतिका नग्न अवस्था में फांसी पर खून से लथपथ लटकी हुई है, जिस पर उसके परिजनों ने उसे फांसी के फंदे से उतार कर उसे कपड़ा पहनाया व स्थानीय पुलिस को सूचना दी। घटना के संबंध में जैसे स्थानीय पुलिस को सूचना मिली, तो वह तत्काल मौकाए वारदात पर पहुंचकर घटना के संबंध में जांच में जुट गए। एकल दृष्टि से देखा जाए तो यह घटना एक संदेहजनक है। फिलहाल इस पूरे मामले की जानकारी मृतिका के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही प्राप्त हो पाएगी। कब आ पाए? घटना होने के बाद। अच्छा, क्या क्या देखे आप? लटका हुआ बेचारा कपड़ा। कहाँ लटका रहा? घर के अंदर। कौन लटका रहा? जी। किस हालत में थी वो? कपड़े के थे। फिर क्या किया आप लोग? रस्सी काट उतार दी। कौन कौन काटा रस्सी? मेरे बड़े भाई और मेरे बड़े भाई। फिर इसके बाद क्या किए? उसको उतार के फिर कपड़ा उठा पहना है। उस समय आप लोग क्या देखे? तो देखे फिर उसको ब्लड लगता है। कहाँ से ब्लड निकल रहा था? गला से। गला पूरा कटा है कि थोड़ा कटा है? अब उतना गला को नहीं देख पाए हम। फिर क्या किए आप लोग? उतार के फिर वही कपड़ा उपड़ा पहना रहे थे। हीरागिरी दफाई से सूचना प्राप्त हुई है कि एक नाबालिग लड़की अपने घर में फांसी के फंदे में लटकी हुई है, और पुलिस मौके पर पहुंचकर अभी पंचनामा कार्रवाई कर रही है और बॉडी को पीएम के भेजा जाएगा, और पीएम रिपोर्ट के बाद ही आगे इसमें कुछ हम बता पाएंगे। लड़की के शरीर में कपड़ा नहीं है, क्या लगता है, क्या किस तरीके का मामला होगा ये? देखिए, मामला तो लग रहा है, प्रतिविष्टर से लग रहा है कि इसमें कुछ संदेह है, और इसीलिए हम पीएम रिपोर्ट में इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद भी हम कुछ बता पाएंगे। खांजूर के अंदरूनी गांव, जो कि जिले के अंतिम छोर पर घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ऐसे गांव में पहुंचकर सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन कर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में तिरालगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पखांजूर मुख्यालय से दूर जंगल के बीच बसा हुआ गाँव है, जो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की सीमा से तीनों ओर से घिरा।
घेरा है। सीमा सुरक्षा बल के 121वीं वाहिनी ने आज सिविक एक्शन और मेडिकल कैंप का आयोजन किया। सिविक एक्शन कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के साथ ग्रामीणों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम के तहत गांव वालों को दैनिक उपयोग होने वाले रोजमर्रा के सामानों का वितरण किया गया। तिरालगढ़ में सीमा सुरक्षा बल को देखकर ग्रामीणों में उत्साह का माहौल था। सीमा सुरक्षा बल के 121वीं वाहिनी के सीईओ मोहिंदर लाल और एसडीओपी शोभराज अग्रवाल ने ग्रामीणों को दैनिक उपयोग के सामान का वितरण किया। इस कार्यक्रम में तिरालगढ़ के सैकड़ों ग्रामीणों ने शिरकत की और कार्यक्रम के हिस्सा बने। सीमा बल की 121वीं वाहिनी के कमांडेंट मोहिंदर लाल ने ग्रामीणों को नशे से होने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी दी और नशाखोरी से बचने के लिए कहा। उन्होंने नक्सलियों को राष्ट्र की मुख्यधारा में लौटने की अपील भी की। सरकार उनके लिए पुनर्वास नीति बनाए हैं, उनका लाभ उठाना चाहिए। माओवाद के कारण गाँव वालों को परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन सीमा सुरक्षा बल के जवानों के प्रयास से इलाके में सक्रिय माओवादियों की जड़ें कमजोर हुई हैं। जल्द ही नक्सलियों का खात्मा होगा और इलाके में शांति व अमन बहाल हो सकती है। घोर नक्सल वाली आज भी है ये इलाका, लेकिन हमने ये सोचा कि चाहे नक्सल भी है कुछ भी है, हमारा मैसेज देने का यही एक था कि ये इलाका इतना पिछड़ा हुआ है और इधर आज तक कोई सिविक एक्शन हो नहीं पाया और वाकई लोगों को ज़रूरत है सामान की और गरीब लोग हैं हमें और दवाइयों की ज़रूरत है, तो इसी सोच के रखते हुए हम लोगों ने यहाँ एक सिविक एक्शन लगाया है। हमें पता है ऐसी बात हो सकती है, लेकिन हम उसकी चिंता नहीं करते, हमारी सक्षम है सभी जवान और लोगों के अंदर ये मैसेज देना चाहते हैं कि सुरक्षा एजेंसी कोई भी हो, चाहे पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, BSF है, ये सब लोग आपकी सुरक्षा के लिए पूरे सक्षम हैं और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और लोगों के अंदर यही मैसेज दे रहे हैं कि आप जो यूथ हैं जो गलत रास्ते में चले हुए हैं वो रास्ता छोड़ के एहतियात छोड़ के और जो गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ हैं कि सरेंडर करें या फिर इस छोड़ के अपने अच्छे रास्ते में चलें और सही रास्ता अडॉप्ट करते हुए अपना और देश के विकास में भागीदारी निभाएं। क्योंकि हमने जितने भी सिविक एक्शन अभी कर रहे हैं वो हम बिल्कुल दूर दराज इलाके में कर रहे हैं। पहला सबसे पहले हमने माड़पखजूर में किया था, वो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र आप जानते हैं, वो बांधे से वो भी कम से कम 25-30 किलोमीटर होगा और ओशा में किया तो वो भी 25-30 किलोमीटर है, तो ये है ये भी 15 किलोमीटर दूर है और बिल्कुल नदी के इस पार है और यहाँ भी फोर्सेस का आना जाना इतना नहीं हो पाता, तो जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उन्हीं के अंदर हम चाहते हैं लोगों के अंदर जुड़े लोगों को अपने साथ जोड़ें और ताकि लोग हमारी बात को भी समझें कि हमारा मकसद क्या है आने का। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए INN24 के साथ। INN24 YouTube, Facebook और Twitter पर भी देख सकते हैं। वेब चैनल के लिए लॉगिन करें www.inn24news.in। नमस्कार। Please keep watching INN 24.